Assalamu alaikum students, I am Ms. Zunaira, your math teacher. Today I am going to deliver lecture on unit 3. Unit 3 name is decimal numbers. Exercise 3, as you know, I have already discussed about question 2 and 3. Now we will discuss about question number 4, 5, 6 and 7. राउंडिंग डेसिमल्स, जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। अगर 5 और ग्रेटर देन 5, ऐड वन मोर। अगर आपका नंबर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। 3.99 आपको हमने इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। आप ये देखें 9 है, ये 9 है, 9 क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 1.2 है तो 2 जो है वो लेस देन 5 है, तो इसका आंसर यही रहेगा, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस। यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, यानी टू डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। यानी अब 0.236 है तो 2 हमारा फर्स्ट डेसिमल है, 3 हमारा सेकंड डेसिमल है, तो राउंड ऑफ करना है टू डेसिमल को हमने, ठीक है। जो सर्कल हुआ हुआ, ये हमारा टू डेसिमल सर्कल हुआ हुआ है, तो हमने इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू को देखना है कि अगर वो 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो हमने 3 में 1 नंबर ऐड कर देना, ठीक है। क्योंकि ये 5, 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए हमने 3 में क्या ऐड किया, 1 ऐड कर दिया। इस तरीके से क्या हो गया, 4 हो गया, 0.24। इस तरीके से आपने राउंडिंग करना है डेसिमल नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, या आपकी बुक का ये वाला पेज है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, इस तरह ब्लॉक्स में आपने इनको फिल करना है। मैंने आपकी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपके पास 3.1276 करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, उन्होंने क्या करेक्ट करें, यानी जो आपको गिवन है उसको होल नंबर में करेक्ट करें। अब आप जो पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे नंबर होते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं, ठीक है। जो कि सर्कल हुआ हुआ है, आपने 3 को उसके नियरेस्ट होल नंबर पे करेक्ट करना है, ठीक है। अब पॉइंट जब हमने चेक करना होता है, जिसकी जो सर्कल हुआ हुआ है इसको हमने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हम इसके नेक्स्ट वाले नंबर को चेक करेंगे जो कि 1 है। अगर 1 की जगह पे 5 हो या 5 से ग्रेटर कोई नंबर हो, तब हम 3 में 1 ऐड करेंगे। लेकिन अब ये देखें 5 से लेस देन है 1, तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, तो ये 3 ही आ जाएगा इसी तरह से, ठीक है। करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, तो 3 से पॉइंट के आगे जब एक नंबर आता है तो उसको हम 1 डेसिमल प्लेस कहते हैं। 2 डेसिमल प्लेस, जब पॉइंट के आगे 2 नंबर्स आते हैं उनको हम 2 डेसिमल प्लेस कहते हैं। अगर 3 डेसिमल की प्लेस की बात करें, तो पॉइंट के आगे जब 3 नंबर्स आते हैं उनको हम 3 डेसिमल प्लेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे उन्होंने 1 को सर्कल किया हुआ है, यानी 1 को हमने राउंड ऑफ करना है। उसको राउंड ऑफ करने के लिए हम इससे नेक्स्ट वाले नंबर को देखेंगे जो कि 2 है। जो 2 है वो लेस देन है क्या है, 5 से, तो 1 में हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि लेस देन है, 2 लेस देन है 5 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3.1 ही आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है 3.127, तो इसमें मैंने 2 डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना है, यानी ये जो 2 है इसको राउंड ऑफ करूंगी मैं, तो मैं इससे नेक्स्ट वाले डिजिट को देखूंगी, ठीक है, वो जो कि 7 है। 7 जो है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो मैं इसमें क्या करूंगी, 2 में 1 ऐड कर दूंगी, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, 3, यानी मेरा आंसर क्या होगा, 3.13 आ जाएगा। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, लाइक 3.127 है, 7 को सर्कल किया हुआ है तो इसको राउंड ऑफ करना है मैंने, तो मैं इससे नेक्स्ट वाले नंबर को देखूंगी जो कि 6 है, 6 5 से क्या है, ग्रेटर है, तो मैंने अपने सर्कल वाले नंबर में 1 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 को जब मैंने ऐड किया तो क्या हो गया, 8 हो गया, 3.128, ठीक है। इस तरीके से ये आपके राउंड ऑफ हो जाएंगे। जब आपको इस क्वेश्चन के अच्छे से समझ आ जाएगी तो आप बाकी फिल इन द ब्लैंक्स भी खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है राउंड ऑफ द डेसिमल प्लेस इंडिकेट बाय द इन सर्कल डिजिट, जो वो कहते हैं जो सर्कल में है ना उसको राउंड ऑफ करना है आपने, ठीक है। राउंड ऑफ करने के लिए हम इसे नेक्स्ट वाले नंबर को चेक करेंगे। अब 29.06 है, 9 को उन्होंने सर्कल किया हुआ है, तो अब हमने 9 को राउंड ऑफ करने के लिए इसे नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे। जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 0 है, 0 तो 5 से क्या है, लेस है, 0 इज लेस देन 5, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो हमारा राउंड ऑफ करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इसी तरह हमने इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, 210.53 है, तो उन्होंने 3 को सर्कल किया हुआ है, तो जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना होता है तो हमने उससे नेक्स्ट वाले नंबर को चेक करना होता है राउंड ऑफ करने के लिए, लेकिन इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर सेम ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह 0.826 है, 8 को उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, तो हमने इसको राउंड ऑफ करने के लिए सॉरी सर्कल किया हुआ है, तो हमने इसको राउंड ऑफ करने के लिए नेक्स्ट नंबर को देखना है जो 2 है।
टू जो है वो लेस देन फाइव है, तो लेस देन फाइव जब होता है तो हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है 112.999, जो आपका सर्कल हुआ हुआ है डिजिट वो है 9, तो हमने इसको राउंड ऑफ करने के लिए नेक्स्ट नंबर को देखना है, तो 9 वो भी 9 ही है, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, जो 5 से ग्रेटर है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो वो राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 9 में 1 ऐड किया तो 10 बन जाएगा, 10 का 0 मेंशन होगा तो 1 कैरी चला जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 मेंशन होगा तो 1 कैरी चला जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, इस तरह 113.00 इस तरह राउंड ऑफ होके आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स टू अ पावर ऑफ 10। वो कहते हैं जो फ्रैक्शन है उनको चेंज करें आप डेसिमल में, और जो उनके डिनोमिनेटर्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए या 10 के पावर होनी चाहिए, लाइक 100 हो जाए या 1000 हो जाए या 10 हो। ठीक है, अब फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, 1/10 है ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमिनेटर और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जो कि हम बाय राइट करते हैं, और जो न्यूमिनेटर होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिसको हम अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब अंदर जो है जो हमारा डिविडेंड है वो स्मॉलर है, लाइक 1 है, और बाहर क्या है 10 है, वो ग्रेटर है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हम डेसिमल लेंगे, डेसिमल लिया 0 पॉइंट, ऊपर मेंशन किया नीचे भी 0.0, तो इस तरह ये अब 10 बन गया, 10 1 10 आ गया, तो हमारा आंसर क्या है, 0.1 आ गया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, 1/5 है, 1/5 क्या है आपके पास, आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/5 है, यहाँ पे लाइन मेंशन करेंगे आप, ठीक है, वह 5 है, तो 5 तो 10 की पावर नहीं है, तो इसको 10 की पावर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 2, डिनोमिनेटर को जब हमने 2 से किया तो हम न्यूमिनेटर को भी 2 से ही करेंगे, लाइक जब हमने नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 2 आ जाएगा और 5 2 10 आ जाएगा, जब हमने इसको डिवाइड किया यानी डिविजन के इस तरीके से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.2 आ जाएगा, लाइक देखिए नीचे 1 0 है तो वो एक ही पॉइंट के बाद मतलब 0 आएगा आपके पास। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप करेंगे, 1/25 है, 1/25 है, तो 25 को 10 की पावर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास 100 आ जाएगा, तो जो मैंने डिनोमिनेटर को वो मल्टीप्लाई करवाया 4 से, तो न्यूमिनेटर को भी 4 से करवाऊंगी, तो 4 1 4 आ जाएगा, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 0.04 आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में। नेक्स्ट पार्ट है 1/50 है, 1/50 है, 50 को जो मैंने 10 की पावर बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 50 2 100 बन जाएगा, और ऊपर वाले न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 2 1 2 आ जाएगा, इस तरह 2/10 आ गया, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आंसर मेरे पास आएगा 0.02 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय डिवीजन। ठीक है, वो कहते हैं जो रैशनल नंबर है उनको डेसिमल के फॉर्म में यानी बाय डिवीजन आपने सॉल्व करना है। आपके पास क्या 2/5 है, आपके पास ये एक रैशनल नंबर है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 रैशनल नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला आपके पास न्यूमिनेटर है। ठीक है, 5 को बाहर राइट करोगे और 2 को अंदर रखोगे। ठीक है, 2 आपके पास स्मॉलर वैल्यू है तो 5 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम इसका पहले क्या लेंगे, डेसिमल लेंगे, 0 पॉइंट मेंशन करेंगे और नीचे भी पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 20, तो 5 4 20 आ जाएगा आंसर आपके पास। तो हमारे इस वाली फ्रैक्शन का रैशनल नंबर्स जो है हमारे, इनका आंसर हमारे पास क्या है, 0.4। इसी तरह ये आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू वाला आंसर है, क्वेश्चन है -5/8, तो हमने क्या किया, 8 को बाहर राइट किया, 5 को अंदर, तो 5 जो है वो स्मॉलर है तो 8 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम पहले क्या लेंगे, इसका डेसिमल 0 पॉइंट मेंशन किया और नीचे भी पॉइंट लगा के 0 लगाया। अब हम देखेंगे 8 के टेबल में 50 कब आता है, 8 के टेबल में 50 नहीं आता है, तो हमने 8 को 6 पे किया जो इसके नियरेस्ट है, 8 6 48 आ गया, तो माइनस किया 50 में से 48 को तो 2 आया, तो मैंने ऊपर 0 मेंशन किया, वही वाला 0 मैंने नीचे उतार लिया, तो 8 के 8 में देखना 20 का बात है, 20 नहीं आता है तो उसके नियरेस्ट चेक करेंगे, 8 2 16, इस तरह 20 में से 16 में माइनस किया तो 4 आ गया, इसी तरह मैंने ऊपर दोबारा से 0 मेंशन किया और वो 0 नीचे उतार लिया तो 40 बन गया, तो 8 5 40, इस तरह ये कंप्लीट कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये -7 था तो हमारे क्वेश्चन आंसर में भी ये -7 आएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।